नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की खास खबर। बीजेपी नेता के गाने को अमिताभ बच्चन ने किया पसंद, ट्वीट करके की तारीफ। दलेर मेहंदी के साथ सपना चौधरी का लेटेस्ट रिलीज हुआ गाना उनके सभी फैंस को काफी पसंद आ रहा है। इसी बीच अमिताभ बच्चन ने भी उनके इस गाने की तारीफ की है। भारतीय जनता पार्टी का दामन हाल ही में थामने वाले सिंगर दलेर मेहंदी और सपना चौधरी का एक गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल कर रहा है। बावली तरेट गाने के बोल हैं। इस गाने में सपना चौधरी काफी शानदार अंदाज में नजर आ रही है, जिसको फैंस जमकर पसंद कर रहे हैं। सपना और दलेर पहली बार किसी गाने में एक साथ नजर आ रहे हैं। उनका ये गाना फैंस को काफी पसंद आ रहा है। यहाँ तक कि महानायक अमिताभ बच्चन ने भी दलेर मेहंदी और सपना चौधरी के इस गाने की तारीफ खास ट्वीट करके की है। बिग बी का ट्वीट देखने के बाद साफ है कि उन्हें ये गाना काफी पसंद आया है। दलेर मेहंदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, वाह क्या बात है, बाजी तुसी तन कमाल कर देता। रणबीर कपूर की मानीतू को क्यों पसंद है आलिया भट्ट, कलंक एक्ट्रेस ने दिया जवाब। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की कुछ सबसे पसंदीदा जोड़ी में गिनी जाती है। खबर ये भी है कि जल्द ही ये लव बर्ड शादी के बंधन में भी बन जाएंगे। वही दोनों ही सुपर स्टार के घर वाले की भी परमिशन मिल गई है। आलिया को अक्सर नीतू सिंह के साथ स्पॉट किया जाता है। रिसेंटली आलिया भट्ट से जब पूछा गया कि रणबीर की मां नीतू सिंह को उनमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो आलिया भट्ट ने अपना रिएक्शन दिया। आलिया से जब पूछा गया कि नीतू सिंह को उसमें इतना क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा, वैसे मुझे कैसे पता होगा कि उनको मेरे अंदर कौन सी चीज पसंद है, आपको उनसे पूछना चाहिए। जानकारी के मुताबिक आलिया ने कहा कि वैसे ये उनके और नीतू जी के बीच की बात है, तो प्राइवेट है। नीतू सिंह का आलिया की प्रति झुकाव साफ देखा जा सकता है, जो रणबीर की पहली गर्लफ्रेंड कैटरीना और दीपिका के लिए नहीं देखा जा सकता था। तभी तो अक्सर नीतू सिंह के साथ आलिया को देखा जा सकता है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की मोस्ट एवरेज फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट में बदलाव कर दिया गया है। आयान मुखर्जी की ये फिल्म सबसे पहले दिसंबर में रिलीज की जाने वाली थी, मगर रिसेंटली फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी। अब ये फिल्म साल 2020 के मिड में रिलीज होगी। आयान मुखर्जी ने अपने इंस्टाग्राम और करण जौहर ने ट्वीट करके इस बात को साफ कर दिया है कि अब ब्रह्मास्त्र नए साल यानी 2020 में मिड में रिलीज होगी। आयान ने अपने पोस्ट में लिखा, ब्रह्मास्त्र उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा है, जिसके लिए मैं 2011 से काम कर रहा हूँ और फिल्म ये जवानी है दीवानी के टाइम में भी ये मेरे दिमाग में चल रहा था। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।